अस्सलाम वालेकुम। ये स्प्लिट एसी है, ये रूम के अंदर पानी आ रहा था तो ये कंप्लेन थी। तो आके हमने देखा कि हम समझे कि इसका जो पैप है वो बंद हो गया होगा, जिस पर पानी अंदर आ रहा है हम इसे साफ़ कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा तो ये टूटा हुआ था, जहाँ से फिक्स होता है एसी के साथ, इंडोर के साथ, वहाँ से ये टूटा हुआ था। ये डेवो का है, देखो हमने पूरा इसको खोल दिया था बाहर। अभी क्या है कि हमें अभी शॉप पे लेके आना पड़ेगा इसे, इसीलिए हम इसको भी उतार देंगे पूरा। हम नट इसके जो बोल्ट होता है वो पूरा हम खोल देंगे और फिर इसे हम शॉप पे लेके आएंगे। और यहाँ पर कोई हमें जुगाड़ करना पड़ेगा और हम देखेंगे कि कौन सा इसमें अंदर क्या प्रॉब्लम इसमें फेस आया। अभी देख रहे हो कि हम क्या करना है। अभी हमने हमने इसका पीसीबी बोर्ड और एवेपोरेटर को बिल्कुल अलहदा हमने कर लेना है और उस जगह पर पहुँचना है जहाँ पर लीकेज हुआ है। हम देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ से लीकेज हुआ है और क्यों हुआ है, ठीक है ना। तो जुड़े रहे हमारे वीडियो के साथ दोस्तों, लास्ट तक देखना है आपने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इंशाल्लाह आपको कुछ हमें समझने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये बोल्ड है, हम इसके यहाँ से नट लगे हुए हैं, देखो ये खोल देंगे अब अपडेट करके, ठीक है ना। जी, तो एवेपोरेटर और पीसीबी बोर्ड को हमने खोल दिया है पूरा। अभी उसके नट हमने खोल दिए हैं, अभी इसको अलहदा कर दिया है। देखो ये पीसीबी है इसका। अभी हम उस जगह को देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी। अब ये देखो, ये चीज़ टूट गई है क्योंकि ये पानी में अक्सर रहता है ना, तो गल जाती है एक तरीके का, ठीक है ना। यही वजह हुई। अब ये देख रहे हो यहाँ से कितना बड़ा सुराख हो गया, अब ये देख रहे हो कि फतह बन गया, यहाँ पर पूरा होल है यहाँ पे, देख रहे हो। और यही पानी जो भी आता था इसे डायरेक्ट रूम में ही चला जाता था। और ये देखो, इस तरह का वहाँ पर होता है, तो वहाँ पर जो टूट गया है, अभी हम क्या है उस सुराख को हम बंद कर देंगे, उस होल को हम बंद कर देंगे और यहाँ पर दूसरा लई लगा देंगे, पैप लगा देंगे। अभी हमने फेविकोल लगा कर इसे बिल्कुल ही बंद कर दिया है और पीछे से भी इंशाल्लाह हम फेविकोल लगा के इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर हमने गत्ता रखा है ताकि ये नीचे ना गिर जाए, ठीक है ना। तो इस किस्म की फेविकोल है, ये देख रहो आप, ये फेविकोल है। इसका एक वाइट होता है और एक ब्लैक होता है, इसमें मिक्स करके लगाना पड़ता है इसे। तो हमने इसे लगा दिया है, इंशाल्लाह अभी ये काम अच्छा चलेगा और दूसरी जगह पर हम इसको फिक्स कर देंगे, क्योंकि और हमारे पास तरीका नहीं है। तो इसे बंद करके दूसरी जगह जो स्पिट रखा रहता है, तो वहीं इसका पैंप लगा कर हम इंडोर का पानी जो है वो बाहर निकाल देंगे। जी, तो वाटर लीकिंग जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर दी है। अभी क्या है कि अभी हम इसको पूरा सेट कर देंगे, इसका वेपरेटर और पीसीबी बोर्ड भी अभी हम लगा देंगे इसका। और आपको 4x में वीडियो मिलेगी नेक्स्ट, इसकी पूरी सेटिंग हमने किस तरीके से की है। 4x में नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन है वो भी आपने दबा देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी, तो अभी हमने सेट करके जो है कस्टमर घर में लगा दिया है। जी, तो नेक्स्ट पार्ट इसको फिक्स करने का आपको 4x में मिलेगा। ऊपर आई बटन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो आपके सामने जो दो वीडियो आ रही हैं, तो लेफ्ट वाली पार्ट 2 के नाम से है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।